कार्तिक महीने का फल 5 दिन में कैसे मिलेगा? कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी से वैसे कार्तिक मास का महात्म्य वर्णन करना अत्यंत दुर्लभ है। पूरे कार्तिक मास में यदि आपने व्रत एवं कार्तिक महात्म्य के कार्यों को ना किया हो तो एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन पंचमी का कहलाती हैं। पंचमी का में कार्तिक स्नान का विशेष महत्व माना जाता। पूरे कार्तिक मास स्नान ना कर केवल पंचमी का में ही स्नान कर लिया जाए तब भी पूरे मास स्नान करने का फल मिलता है। कार्तिक मास के स्नान व्रत नियम पालन से सत्यभामा जी को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति। पद्म पुराण की कथानुसार त्रेतायुग में हरिद्वार में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण थे जो सूर्य की आराधना करके सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उनकी गुणवती नामक एक पुत्री थी। एक बार देव शर्मा अपने जामाता चंद्र के साथ पर्वत पर कुश और समिधा लेने गए। वहां एक राक्षस ने उनकी हत्या कर दी। पिता और पति की मृत्यु से गुणवती अनाथ हो गई। वह भगवान को अपना नाथ मानकर 2 व्रतों का पालन करती थी। एक था एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास के स्नान आदि नियमों का पालन। कार्तिक के महीने में सूर्य जब तुला राशि पर रहते हैं तब वह प्रातः काल स्नान करती थी, दीपदान और तुलसी की सेवा तथा भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू दिया करती थी। प्रतिवर्ष कार्तिक व्रत का पालन करने से मृत्यु के बाद वह वैकुंठ लोक गई। पृथ्वी का भार उतारने के लिए जब भगवान ने कृष्ण अवतार लिया तब उनके पार्षद यादवों के रूप में अवतीर्ण हुए। गुणवती के पिता देव शर्मा सत्राजित हुए। गुणवती उनकी पुत्री सत्यभामा हुई। चंद्र ब्राह्मण अक्रूर हुए। पूर्वजन्म में गुणवती ने भगवान के मंदिर के द्वार पर तुलसी की वाटिका लगा रखी थी। इसके फलस्वरूप सत्यभामा जी के आंगन में कल्प वृक्ष लगा हुआ था। गुणवती ने कार्तिक में दीपदान किया था, उसके फलस्वरूप उसके घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से रह रही थी। गुणवती ने सभी कर्मों को परमपति भगवान विष्णु को समर्पित किया था, इसलिए सत्यभामा बनकर भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया और भगवान से उनका कभी वियोग नहीं हुआ। सभी कर्मों को परमपति भगवान विष्णु को समर्पित किया था, इसलिए सत्यभामा बनकर भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया और भगवान से उनका कभी वियोग नहीं हुआ। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और वेदों का जल में निवास। समुद्र के पुत्र शंखासुर ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से निकाल दिया। शंखासुर जानता था कि देवता मंत्र बल से प्रबल बने रहते हैं, अतः उसने वेदों का अपहरण कर लिया। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण में जाकर उन्हें गीतों, वाद्यों और मंगल कार्यों से प्रसन्न किया। भगवान ने देवताओं से कहा कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति गीत, वाद्य और मंगल कार्यों से मेरी आराधना करेंगे वे मुझे प्राप्त करेंगे। शंखासुर के द्वारा जो वेद हरे गए हैं वे जल में स्थित हैं, मैं उन्हें ले आता हूँ। आज से प्रतिवर्ष कार्तिक मास में मंत्र, बीज और यज्ञों से युक्त वेद जल में निवास करेंगे और मैं भी जल में निवास करूँगा। इसलिए कार्तिक मास में जो प्रातः स्नान करते हैं वे सचमुच अवृत स्नान करते हैं। भगवान ने मत्स्य रूप धारण कर शंखासुर का वध किया और शंख को बदरिकाश्रम ले गए। भगवान ने ऋषियों को जल से वेदों को ढूंढ निकालने का आदेश दिया। तब तक वे देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरे। जिस वेद के जितने मंत्र जिस ऋषि ने पाए वही उतने भाग का तब से ऋषि माने जाने लगा। सब मुनियों ने वेदों को भगवान विष्णु को अर्पण किया। यज्ञ सहित वेदों को पाकर ब्रह्मा जी को बहुत हर्ष हुआ। देवताओं ने भगवान से कहा, इस स्थान पर ब्रह्मा जी को खोए हुए वेदों की प्राप्ति हुई है और हमें भी यज्ञ भाग प्राप्त हुआ है,
अतः ये स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक हो। इसमें दिया हुआ सभी कुछ अक्षय हो ऐसा वर दीजिए। भगवान ने सभी देवताओं की इच्छा पूर्ण की। तभी से प्रयाग को ब्रह्म क्षेत्र व तीर्थराज होने का वर प्राप्त हुआ। दोस्तों, कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। नई कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।